हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक के एपिसोड्स में हम लोगों ने वैदिक गणित के कई सूत्र देखे हैं। आज इनमें से कुछ सूत्र को अप्लाई करके हम लोग स्क्वायरिंग के कुछ फास्ट और इजी ट्रिक्स सीखेंगे। ये सारे ट्रिक्स उन्हीं सूत्र को रिजेंबल करते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्हीं सूत्र को यूज़ करके हम लोग एक सिंगल स्टेप में स्क्वायर करेंगे, नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायरिंग का मतलब होता है किसी एक नंबर को उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि सपोज़ हमारे पास 6 है, अगर हम लोग 6 को वापस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर ऑफ 6। और इसे हम लोग 6 के ऊपर 2 लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायरिंग का मतलब कुछ नहीं है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना ही स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल 43, अगर हम लोग को 43 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि हम लोग को 43 को 43 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसे हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में 43 के ऊपर 2 लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग के ट्रिक शुरू करेंगे। 3 ट्रिक्स हैं यहाँ पे। पहली ट्रिक हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ हम लोग एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र यूज़ करके करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र के एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिक नंबर्स पर ही ये यूज़ होता है, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। पहला रूल ये है कि यूनिट डिजिट, जो भी यूनिट डिजिट हैं उनका सम ऐड करके 10 होना चाहिए। और सेकेंड रूल है यूनिट डिजिट के अलावा बाकी जो भी डिजिट हैं वो सेम होने चाहिए। तो इस केस में ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है, जनरल टेक्निक नहीं है, स्पेसिफिक टेक्निक है। यानी कि ये सिर्फ कुछ नंबर्स पर ही अप्लाई होंगी, सारे नंबर्स पर अप्लाई नहीं होती है। ये सिर्फ तब अप्लाई होगी जब यूनिट डिजिट का सम 10 होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 स्क्वायर का मतलब होता है 15 × 15। और 5 + 5 यूनिट डिजिट 5 है, 5 + 5 10 हो जाता है और बाकी जो भी डिजिट है वो सेम है, यानी कि 1 है। तो इस केस में हम लोग आराम से एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस बार एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र बहुत स्पीड में करेंगे, एक सिंगल स्टेप में हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब यूनिट डिजिट का सम 10 होता है तो हम लोग यूनिट डिजिट 5 है हमारे पास, 5 का स्क्वायर हम लोग को पता ही है, 5 × 5 = 25। तो राइट हैंड साइड का हिस्सा हो जाता है 25 और लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1। 1 को हम लोग एक नंबर ज़्यादा, एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से, तो हमारा रिजल्ट आता है 225। बिल्कुल इसी तरह सपोज़ कीजिए हमें फाइंड करना है 25 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 5 है। लेफ्ट हैंड साइड 2 है, इसे हम लोग एक अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, देगा हमें 6। और राइट साइड में 5 है, 5 का स्क्वायर तो हमें पता ही है, 5 × 5 = 25, तो हमारा रिजल्ट आता है 625। बिल्कुल ऐसे ही 35 का स्क्वायर देख लेते हैं। 3 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 × 4 = 12 और राइट साइड में 25 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आता है 1225। 45 का स्क्वायर क्या होगा? 4 × 5 = 20 = 2025। 55 का स्क्वायर 3025। 5 हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई और हमारा रिजल्ट आएगा 3025।
बिल्कुल इसी तरह 75 का स्क्वायर करने से क्या होगा? 75 का स्क्वायर करने से 7 हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई? यस 8 से मल्टीप्लाई। तो 7 8 इज 56, 5 6 2 5। 85 का स्क्वायर अगर करना है तो 7 2 2 5। 95 का स्क्वायर करना है तो 9 टू 10 इज 90, 9025। बिल्कुल ऐसे ही 105 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो 10 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 11025। राइट साइड का तो फिक्स है, 25 ही आना है, कुछ और होने से रहा। आगे देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमें करना है 125 का स्क्वायर, तो 125 में 12 हो जाएगा 13 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र यूज़ करके 12 × 3 बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। 12 × 13 होता है 156 और ओवरऑल आंसर होता है 15625। बिल्कुल ऐसे ही सपोज कीजिए 235 का स्क्वायर निकालना है, तो 235 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 23 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र यूज़ करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 23 × 24, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 + 6 = 14, कैरी 115, एंड 2 × 2 = 4 + 1 = 5, 552। तो ओवरऑल आंसर आता है 55225। ओके, अगर आप लोगों ने ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र के वीडियो नहीं देखे हैं, एक सिंगल स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करने की टेक्निक है ये, हर कोई नंबर के साथ इक्वली काम करती है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोज कीजिए हमें करना है 385 का स्क्वायर, तो 385 × 385 को मल्टीप्लाई करने से बेटर रहता है 38 को हम लोग 39 से मल्टीप्लाई करें, जो कि ऊर्ध्व तिर्यक भी हम सूत्र से आसानी से आ जाता है। 9 8 = 72, 9 3 = 27, +24 = 51, +7 = 58, एंड 3 3 = 9, +5 = 14। तो हमारा रिजल्ट आता है 148225। बिल्कुल इसी तरह सपोज कीजिए 645 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से और 5 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में लिख देंगे। 64 को 65 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 = 20, 5 6 = 30, +6 4 = 24 gives us 54, +2 gives us 56, एंड 6 6 = 36, +5 gives us 41। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आता है 416025। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर हम लोगों के पास आते हैं, स्क्वायरिंग करना है हम लोग को जिसमें लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो हम लोग आराम से इस टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आती है अगर नंबर बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए हम और रूल्स देखेंगे। लेकिन अगर नंबर छोटे हैं और उनका अगर हम लोग को स्क्वायर करना है तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपनी दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक है निखिलम सूत्र यूज़ करके करेंगे हम लोग। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, पहले भी निखिलम सूत्र के वीडियोस में भी हम लोगों ने जाना है कि निखिलम सूत्र हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे नंबर्स, जो भी नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं या जो भी नंबर्स हम लोग को स्क्वायर करने हैं वो बेस के आसपास के नंबर हों, बेस से छोटे या बेस से बड़े हों, तो ही हम लोग निखिलम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हम लोग सबसे पहले 10 को बेस मान के 10 के आसपास वाले नंबर्स को स्क्वायर करके देखते हैं। सपोज करें हम लोग को 12 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12
स्क्वायर फाइंड करना है हम लोग को। तो 12 10 से कितना बड़ा है? 12 है, 10 प्लस 2 करने से 12 आता है, यानी कि 2 बड़ा है। 12 हमारे बेस 10 से 2 डिजिट्स बड़ा है, राइट। तो ये जो 2 है, इस 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे जो कि हमें देगा 4। ये 4 हमारा होता है राइट हैंड साइड का हिस्सा। और अब इसी 2 को हम लोग 12 के साथ ऐड करेंगे जो कि हमें देगा 14। तो हमारा रिजल्ट आता है 144। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमें करना है 14 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए 14 हमारे मेन बेस से कितना बड़ा है। मेन बेस क्या होगा? 10 होगा। मेन बेस से 14 कितना बड़ा है? 4 डिजिट्स बड़ा है। तो इस 4 को दिमाग में रखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ये हमारा राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है 16। और 14 प्लस 4, इसी 4 को हम लोग 14 के साथ हमारे मेन नंबर के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 14 के साथ ऐड करेंगे, तो 14 प्लस 4 होता है 18। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हमारा मेन बेस 10 है। मैंने ये बात कई एपिसोड्स में बताई है, यहाँ पे भी यही चीज़ लागू होती है। 10 में क्योंकि सिर्फ एक जीरो है, तो राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ एक ही डिजिट मिलना चाहिए। बाकी जो भी डिजिट आ रहा है उसे फर्दर कैरी कर दीजिए। इसलिए हमारा ओवरऑल आंसर होगा 196। ओके, सपोज करें हमें फाइंड करना है 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 19 हमारा मेन बेस 10 से कितना बड़ा है। 9 डिजिट्स बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 81। लेकिन 8 कैरी होगा क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 ही डिजिट चाहिए। अब इस 19 के साथ हम लोग उसी 9 को जोड़ देते हैं, 9 को जोड़ देते हैं, 10 प्लस 9 19 आया था ना, उसी 9 को हम लोग 19 के साथ जोड़ देते हैं जो कि हमें देगा 28। इस 28 के साथ इस 8 को जोड़ दीजिए, कैरी ओवर वाले 8 को जोड़ दीजिए, हो जाता है 361। तो हमारा रिजल्ट होता है 361। बिल्कुल इसी तरह देखिए, 100 को बेस बना के देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग का बेस 100 है और हमें सपोज करें हम लोग को फाइंड आउट करना है 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 107 100 से कितना बड़ा है। 7 बड़ा है, ओके। तो इस 7 का हम लोग पहले राइट हैंड साइड में स्क्वायर लिख देते हैं, 7 7 इज 49। ओके, 49। यहाँ पे हम लोग दो डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मेन बेस 100 है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमें 4 को कैरी नहीं करना है। ये हमारा राइट हैंड साइड का हिस्सा हो गया। अब इस 107 में इस 7 को ऐड कर दीजिए जो कि हमें देगा 114। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, 11449। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें फाइंड करना है 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए 113 मेन बेस 100 से कितना बड़ा है। 13 बड़ा है, ओके। इस 13 का स्क्वायर ले लीजिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। राइट साइड में सिर्फ 2 डिजिट चाहिएंगे, इसलिए 1 को हम लोग कैरी करेंगे आगे, ओके। नेक्स्ट, अब ये 113 में 13 को ऐड कर दीजिए, हो जाता है 126। इस 1 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 127। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, 113 स्क्वायर इज इक्वल टू 12769। ओके, सपोज करें हमें स्क्वायर फाइंड करना है 109 का।
ओके तो 109 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 109 100 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का स्क्वायर निकाल दीजिए 81, ये हो गया राइट हैंड साइड का हिस्सा। अब 109 में 9 जोड़ दीजिए, हो जाता है 118, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है 118 81। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह हम लोग 1000 को बेस बना के कर सकते हैं। सपोज करें हमें फाइंड करना है 1004 का स्क्वायर, तो 1004 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है 1004 1000 से कितना बड़ा है, 4 डिजिट्स बड़ा है, 4 का स्क्वायर ले लीजिए 16 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1000 में 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में 3 डिजिट्स चाहिए। डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए एक जीरो ऐड कर दीजिए, 1004 में 4 ऐड कर दीजिए, हो जाता है 1008, यही हमारा आंसर है 1008016। ओके तो अगर पेस के आसपास के नंबर है तो हम लोग इजीली ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ आपको पेस से बड़े नंबर्स का दिखाया है, पेस से छोटे नंबर्स के फाइंड आउट करके देखते हैं। सपोज करें हमें फाइंड करना है 92 का स्क्वायर, तो 92 पेस हमारा क्या होगा, 100 होगा। इस केस में देखिए 92 100 से कितना छोटा है, 8 डिजिट छोटा है, 8 का स्क्वायर फाइंड आउट कर दीजिए, हो जाएगा 64। अब इस केस में हम लोग 8 को ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेन बेस से बड़ा है, मेन बेस से छोटे नंबर हैं, तो हम लोग जो डिफिशियंसी आई है 100 माइनस 92 इज़ 8, उस 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 से, तो 92 माइनस 8 हो जाता है 84। सो आवर आंसर इज 8464। बिल्कुल इसी तरह सपोज कीजिए हमें फाइंड आउट करना है 96 का स्क्वायर, तो 96 100 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, 4 का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए 16 हो गया, इस 4 को 96 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 92 हो गया, तो हमारा रिजल्ट आता है 9216। ऐसे हम लोग कुछ बड़े नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 989 के स्क्वायर अगर आप लोग को फाइंड करना है, तो हमारे यहाँ पे बेस क्या होगा, बेस होगा 1000 से 989 कितना छोटा है, 1000 से 989 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, हो जाता है 121। 1000 हमारा बेस है, 3 जीरोस है, राइट साइड में 3 डिजिट होने चाहिए, सही है। अब 989 में 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाता है 978। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह सपोज करें हम लोग को फाइंड करना है 975 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर, 976 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मेन बेस 1000 होगा, 976 1000 से 24 डिजिट छोटा है, 1000 माइनस 976 इज इक्वल टू 24, तो 24 का स्क्वायर लेके वो हमारा राइट हैंड साइड का हिस्सा हो जाता है 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 576। ओके और 976 माइनस हम लोग 24 कर देते हैं तो हमें मिलता है 952, हमारा ओवरऑल आंसर होता है 952576। तो अगर बेस के आसपास के नंबर्स हैं जिनके हमें स्क्वायर निकालने हैं, तो निखिलम रूल बहुत ही आसान ट्रिक है, हम लोग एक सिंगल स्टेप में निखिलम रूल यूज़ करके आसानी से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने तीसरे ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक में हम लोग अनुरूपयाना सबसूत्र का यूज़ करेंगे। ठीक है, अनुरूपयाना सबसूत्र में हम लोगों ने देखा था हमारे पास एक मेन बेस होता है और एक सब बेस होता है,
मेन बेस और सब बेस का जो भी प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है उसी हिसाब से हम लोग आंसर निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लें या फिर बाद में भी देख सकते हैं, ये एपिसोड आपको ऐसे भी समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 22 का स्क्वायर। तो इस केस में हमारा बेस 10 होता है, मेन बेस 10 होता है, लेकिन जब हम लोग मेन बेस 10 लेते हैं तो आंसर तो निकल जाएगा लेकिन काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। 10 प्लस 12 करेंगे तो हमें 22 मिलेंगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पड़ जाता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेन बेस को 10 ही माने, ओके, और एक सब बेस ले लेते हैं जो कि 20 होगा। 20 22 के बहुत करीब का नंबर है तो हम लोग उसे सब बेस के रूप में मानेंगे 20। और सब बेस और मेन बेस का रिलेशन क्या हुआ, जब हम लोगों ने मेन बेस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सब बेस मिला, राइट। मेन बेस इंटू 2 इज सब बेस, यानी कि मेन बेस 10 इंटू 2 इज 20। तो ये 2 को हम लोग प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग 20 को सब बेस मान रहे हैं तो 20 प्लस 2 इज 22, ओके। 20 में कितना जोड़ने से 2 मिलता है, 2 जोड़ने से, तो उस 2 का हम लोग स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में लिख देंगे, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए 22 प्लस 2 कीजिए होता है 24। इस 24 को हम लोग इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि मेन बेस को इंटू 2 करके हम लोग सब बेस निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से को जो कि 24 है इसको इंटू 2 करके अपना लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा निकालेंगे जो कि होता है 48, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमें करना है 23 का स्क्वायर, तो 20 ही हमारा सब बेस है इस केस में भी, 23 का स्क्वायर करना है तो 23 20 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, राइट हैंड साइड क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में 23 प्लस 3 कर दीजिए हो जाता है 26। आप इस 26 को इंटू 2 कीजिए तो 26 इंटू 2 इज 52, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। इंटू 2 किया हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने मेन बेस को इंटू 2 मल्टीप्लाई किया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए 27 स्क्वायर हम लोग को करना है, 27 स्क्वायर में 27 20 से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 का स्क्वायर ले लीजिए राइट हैंड साइड में 49 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 9 लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा क्योंकि हमारा बेस मेन बेस 10 है, ओके, 4 कैरी हो जाएगा, 4 को दिमाग में रखना है कि इसे हम लोग को कैरी करना है। 27 में हम लोग 7 जोड़ देंगे हो जाता है 34, 34 को डबल कर दीजिए हो जाता है 68, 68 प्लस 4 ऐड कर दीजिए हो जाता है 72, क्लियर। इसी तरह सपोज कीजिए हमारा मेन बेस है 100 और हमारा सब बेस है 200, तो 200 के आसपास के कोई नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल के देखते हैं। जैसे सपोज करो 204 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 204 200 से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, ओके, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 डिजिट होना पड़ेगा क्योंकि मेन बेस 100 है, ठीक है। अब इस 204 में 4 ऐड कर दीजिए हो जाता है 208, 208 को हम लोग इंटू 2 करेंगे क्योंकि मेन बेस को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें सब बेस मिलता है, राइट। तो 208 को हम लोग इंटू 2 कर लेते हैं जो कि हमें देगा 416। एक और ऐसा ही एग्जांपल देखते हैं। 213 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो 213 200 से कितना बड़ा होगा, 13 बड़ा होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 1 को कैरी करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में सिर्फ
तो ही डिजिट रह सकते हैं। 213 में 13 जोड़ दीजिए, हो जाता है 226। 226 को हम लोग डबल करेंगे जो कि हमें देगा 452। अब इस 452 में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं जो कि हमें देगा 45369। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमारा नंबर है 198 का स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पे भी हम लोग मेन बेस 200 ही मानते हैं, तो अगर मेन बेस 200 है तो 200 से 198 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे जो कि हो जाएगा 4। लेकिन क्योंकि हमें राइट साइड में दो डिजिट चाहिए तो हमें यहाँ पे 04 लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब 198 से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 198 बेस से, सब बेस से छोटा नंबर है, दो डिजिट छोटा है, इसलिए -2 कर दीजिए। 198 -2 इज 196। 196 को हम लोग डबल कर देंगे क्योंकि हम लोग मेन बेस को 2 से मल्टीप्लाई करके सब बेस निकाल रहे हैं, तो 196 को हम लोग डबल करेंगे जो कि हमें देगा 392। तो हमारा ओवरऑल आंसर आता है 39204। बिल्कुल इसी तरह सपोज करें हम लोग को फाइंड आउट करना है 191 का स्क्वायर। इस केस में भी हम लोग सब बेस 200 को ही मानेंगे। 200 माइनस 9 इज 191, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाता है 81। राइट हैंड साइड कंप्लीट। 191 माइनस 9 कर दीजिए, हो जाता है 182। इसको इंटू 2 कर दीजिए तो हो जाता है 364। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है 36481। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग स्क्वायर कर पा रहे हैं। आपने सोचा होगा कि स्क्वायरिंग इतना आसान हो सकता है। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी चाहिए कि कभी कभी ये स्पेसिफिक ट्रिक से बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हमें हर टाइम ये एनालाइज करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हम लोग का आंसर जल्दी निकलेगा। वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स इसीलिए हैं ताकि हम लोग बहुत स्पीड में आंसर्स निकाल सकें, नहीं तो क्या ज़रूरत है वैदिक मैथमेटिक्स की। नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी तो हम लोग ये सब चीज़ें सीख ही रहे हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें स्पेसिफिक हो या जनरल हो, इन रूल्स को अप्लाई करना, डेली लाइफ में यूज़ करना और इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर बार की तरह अब आपके सामने हैं प्रैक्टिस सेट्स के कुछ क्वेश्चंस। इन्हें प्रैक्टिस करें और आज के वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ नया जाना हो, अगर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप जुड़े रह सकें मेरे साथ अगले आने वाले बहुत से ट्रिक्स और टेक्निक्स सीखने के लिए। हर हफ्ते संडे 11 o'clock हम लेके आते हैं नए ट्रिक्स, नई टेक्निक्स वैदिक गणित के। कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है विदाउट द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। आप इनके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और भी कोई सजेशन हो, कोई कमेंट्स हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पास करके। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू।